किया तुझ सहित दीजे रघुनाथा अनुज सहित दीजे रघुनाथा, यानी कि अपने बेटा राम और अनुज कहते हैं छोटे भाई को, जो छोटा बेटा तुम्हारा लक्ष्मण है उसको दे दो। क्यों? नीचे बद प्रभु होई सब नासा, जा मैं रहता हूं भाई, इतने राक्षस रहते हैं मेरा यज्ञ भी ध्वंस कर देते हैं, इसलिए तुम अपने बेटा राम लक्ष्मण को दे दो। दशरथ रोने लगे, कहने लगे क्या मांग रहे हो, चौथे पन पे सुत चार पाए हैं, वो भी तुम मांगने चले आए, और कुछ मांग लो क्यों? का बनवाए दे मंदिर याला, जा में बैठ जपो तुम माला, इन बच्चों का क्या करोगे? लेकिन विश्वामित्र बोले देना नहीं चाहते तो मना कर दो। दशरथ कहने लगे रब कुल रीत सदा चली आई, और प्राण जाए पर वचन ना जाई, और आज की रीत जही चली आई, वचन जाए पर प्राण ना। आज का इंसान कैसा है, कहता कुछ और है करता कुछ और है। कहो तो तुम्हें पेड़े पे चढ़ाई दे और नीचे से जर काट दे, मरो चाहे जिंदा रहो, कुछ भी हो जाए उसे कुछ नहीं मतलब है। लेकिन दशरथ बोले प्रभु हमसे वादा करो, जैसे लिए जा रहे हो उसी तरह से लौटा देना। विश्वामित्र कहने लगे मैं तुमसे वादा कर रहे हैं, जिस तरह से लिए जा रहे हैं वैसे ही लौटा देंगे। अब राम लक्ष्मण को कहां पहुंची, तारिका वन में। जब तारिका राक्षसी ने देखा, बड़े जोर से हंसने लगी, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े कान हिला रही है, डेला जैसी आंखें। लक्ष्मण बोले भैया इसको मार दो, लेकिन राम कुछ नहीं बोल रहे। लक्ष्मण बोले हम जान गए तुम क्यों नहीं मार रहे हो, आगे से नंबर लगे गुरुजी को और पीछे से नंबर लगे तो मारो, मारो तो मारो, नहीं तो मुझे बीच में कर लो। जब इतनी बात सुनी है तो विश्वामित्र बोले श्री राम से बेटा बिन में कही बेटा राघव तारिका विपिन में आई है, तुम इधर बड़ो भाई इधर बड़े पापनी का श्रृंगार। श्री राम विश्वामित्र से बोले प्रभु मैं औरतों के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाता हूं, जो औरतों के ऊपर हाथ उठाता है परीक्षित जी वो कायर बताया गया है। लेकिन विश्वामित्र समझाने लगे देखो बेटा जब कोई स्त्री औरत ना रहे अबला बन जाए, मानवों पे हत्याचार करने लगे, मानवों को खाने लगे तो तुम इसे मार दो। तो श्री राम ने बांट लिया, तारिका का वध कर दिया। अब जब तारिका का वध किया, रात्रि हुई वहीं पे विश्राम किया। जब सुबह हुआ तो श्री राम बोले गुरुजी आप यज्ञ करो। यज्ञ होने लगा, और जब यज्ञ होने लगा तो जब सुहा सुहा की आवाज सुबाऊ और मामा मारीच ने सुनी वो निकल पड़े। तो श्री राम ने क्या किया कि बिना फल पाड़ी राम जई माता I'm
फलवान राम ते मारा। परीक्षित जी बिन फलवान यानी कि लोहा निकाल लिया सेटा चला दिया सती ओजन गया सागर पारा। सात समुद्र पार करके वे श्रीलंका में जाकर के गिरा। क्यों? क्योंकि अभी मारीच सोने का मृग बनेगा और सीता का हरण करवाएगा। श्री राम ने सोचा अगर मैंने अभी मार दिया इसे जान से तो आगे की मेरी लीला खराब हो जाएगी, तो इसीलिए उन्होंने जान से नहीं मारा, मारीच को घायल कर दिया। तब तक एक जनकपुर से एक चिट्ठी आ गई जहाँ के एक राजा हुए मिथिलेश। मिथिलापुरी गांव यानी कि नगरी है, वही के राजा मिथिलेश हुए हैं, बड़ा आनंद बीतरा है। अब आइए परीक्षित जी इससे आगे का कार्यक्रम रात्रि में सुनाएंगे और रात्रि में झांकियां भी दिखाई जाएंगी कल जैसी बहुत सुंदर सुंदर सी। तो आज दूसरी झांकी वाले आएंगे वो नहीं, ठीक है। राधा रो करके बोली आरती जलाओ परीक्षित जी तब तक कि जिया से चले गए चोरी।